नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्राचीन एवं रहस्यमय मंदिर के बारे में जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो क्या है इसका अद्भुत रहस्य, चलिए जानते हैं दोस्तों। नागराज और उनकी पत्नी नागयक्षी को समर्पित यह मंदिर लगभग 30,000 सर्प प्रतिमाओं का इतिहास समेटे हुए है। भारत में कई नाग मंदिर जिनके बारे में अलग अलग पौराणिक मान्यताएँ प्रचलित हैं। ऐसा ही एक प्रसिद्ध नाग मंदिर केरल में भी है। इस मंदिर के मन्नारशाला के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के भीतर सांपों की 30,000 से ज़्यादा प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यह 3,000 साल पुराना है। मन्नारशाला मंदिर करीब 16 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर के हर कोने में सांपों की प्रतिमाएँ हैं जिनकी संख्या 30,000 से अधिक बताई जाती है। इस सर्प मंदिर के दर्शन के लिए कोने कोने से सैलानी आते हैं। यह नाग मंदिर अलेप्पी से 37 किलोमीटर दूर मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तक्षक और कारकोटक नाग ने भगवान शिव की तपस्या की थी। नागों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूरी हुई। इस मंदिर के पास ही राहु का भी स्थान है जिसे सर्पों का देवता माना जाता है। मंदिर से जुड़ी किंवदंतियों के मुताबिक महाभारत काल में खंडवा नामक एक वन प्रदेश था जो जला दिया गया था, पर इसका एक हिस्सा बच गया था। ऐसा कहा जाता है कि बचे हुए हिस्से में वन के सभी सर्पों ने शरण ली थी। यह जगह ही मन्नारशाला है। इस मंदिर को लेकर लोग तो मान्यता है कि यहाँ नागराज के दर्शन करने से निसंतान दंपतियों को संतान का सुख मिलता है। इस मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान परशुराम भी गए थे। यहाँ भगवान नागराज के प्रसन्न करने के लिए कई अनुष्ठान और पूजन किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।